आपके पास एक फोटो होती है और उसकी सिग्नेचर होती है। अब कई फॉर्मों में इस टाइप की फोटो मांग देते हैं कि फोटो और सिग्नेचर एक ही में होती है, जैसे ये फोटो में दिखा रखा है, इस टाइप से मांग देते हैं। ये आप पेंट के थ्रू कर सकते हैं, पेंट एक टूल आता है उसके थ्रू कर सकते हैं। चलो हम जानते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। ये मेरे पास एक पिक्चर पड़ी हुई है, राइट इस पे जाके राइट क्लिक करना है और ओपन विथ सेलेक्ट करना है और पेंट में इसको ओपन कर देना है। ये आगे पिक्चर, ठीक है। इसका यहाँ से साइज, ये जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ से इसको साइज एसएस बढ़ा देना है। इस साइड से बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये हमारी फोटो हुई, अब हम इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ अभी मैं। अब मेरे पास जो सिग्नेचर है, ये सिग्नेचर है मेरे पास, इसको ओपन विथ करता हूँ, इसको भी मैं पेंट में ओपन करता हूँ, ठीक है। अब ये जो सिग्नेचर है इसको हमको कट करना है। कट कैसे करेंगे, होम पे क्लिक करेंगे सबसे पहले, सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और इस फोटो को हम सेलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले। ये सेलेक्ट हो गई और राइट क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से कॉपी करने या कट करने, में कॉपी कर दे रहा हूँ, ये कॉपी हो गई, ठीक है। और यहाँ पे जाके पेस्ट करना है। पेस्ट कैसे करना है, पेस्ट डायरेक्ट नहीं होगा, कंट्रोल पी से नहीं होगा, यहाँ पे जाके होम पे क्लिक करके पेस्ट पे क्लिक करना है, ये पेस्ट हो गई। अब पेस्ट करने के बाद इसको अपन सेट कर लेते हैं इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से ये हमारी फोटो सेट हो गई, ये सिग्नेचर सेट हो गई। अब इसका जो साइज है वो हम सेट कर लेते हैं एक बार फिर से। ये साइज हो गया सेट, ठीक है। अब ये हमारी फोटो बनके रेडी हो गई है। अब इसको हम सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए हमको जेपीजी फॉर्मेट चाहिए या कोई दूसरा फॉर्मेट चाहिए, वो कोई भी दे सकते। जनरली हम जेपीजी में करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वगैरह में जेपीजी फॉर्मेट ही मांगा जाता है। तो ये मैं फोटो सेव कर देता हूँ। ये मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दी है फोटो। ये फोटो बन गई, ठीक है। इसमें फोटो और सिग्नेचर दोनों ऐड हो गई, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं हम एक बार। ये देखो 36 KB का है, ये 36 KB। अगर आपको और इसका साइज कम करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, फोटो पे जाके सबसे पहले राइट क्लिक करके ओपन विथ सेलेक्ट करें। ओपन विथ सेलेक्ट करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर में ओपन कर दें। ओपन करने के बाद यहाँ पे एडिट पिक्चर पे क्लिक करके रिसाइज पे क्लिक करें और यहाँ से आप सबसे नीचे के दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर दें। आप तो यह ईमेल लार्ज 314x235 पिक्सल यह सेलेक्ट कर दें और ओके कर दें और यहाँ से सेव कर दें। कल्सर को लेके यहाँ पे जाए, ये देखो 27 KB की होगी, ठीक है। अगर आपको ये बोल दिया कि 25 KB के नीचे चाहिए था, यहाँ पे रिसाइज पे जाने पे यहाँ सबसे जो नीचे वाला ऑप्शन है वो सेलेक्ट करके और ओके कर दीजिए और इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। अब इसका हम साइज देखते हैं, ये देखो 15 KB हो गए, ठीक है। इस टाइप से इसको आप इसका साइज भी रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों शेयर कर दीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा मुझे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम जब भी इस तरीके की टेक्निकल वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए। नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।